यू व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइज आप सभी को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में मैंने अपने कैसल को पूरा बना लिया था, पर गाइज बनाने के बाद मैंने अपने कैसल में कुछ चेंजेस किए जिसके बाद मेरा कैसल और भी बढ़िया हो गया। तो गाइज मैं ना अभी फिर से आपको अपना कैसल को एक्सप्लोर करा देता हूँ। और गाइज मेरे कैसल के आसपास एक विलेजर हमेशा रहता अपना दो एनिमल लेकर। खैर छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कैसल का जो इंटीरियर है वो एकदम से खाली है, तो मैं ना इसे बाद में डेकोरेट कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए मैंने एक बाहर में बटन लगाया और एक अंदर में बटन लगाया है। तो गाइज जैसे ही मैं इस बटन पे चढ़ता हूँ ये गेट अपने आप खुल जाता है, और इस तरह का बटन मैंने अब सारे गेट में लगाया है। और गाइज यहाँ आने के बाद ना मुझे गेट को खोलना नहीं पड़ता, बंद भी नहीं करना पड़ता, सब अपने आप हो जाता है। और गाइज सीढ़ियों को ना मैंने साइड में लगा दिया ताकि यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा जगह बचे। तो गाइज ये आइडिया मेरे को शायद अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइज इस कैसल में जितने भी डोर है सब डोर मैंने सेम बनाया है ताकि कैसल का जो लुक है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ही वाला जो गेट है वो भी एकदम सेम है, और इस पर भी मैंने बटन लगा दिया ऑटोमेटिक वाले। और गाइज सीढ़ियाँ भी मैंने सबको साइड कर दिया ताकि सेंटर पर ज़्यादा जगह बचे। और गाइज मैंने ना लाइट से पूरा डेकोरेट कर दिया अपने कैसल को ताकि रात में ज़्यादा अच्छा लगे। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में ना मैं अपने कैसल के इंटीरियर में थोड़ा सा काम करूँगा। मैं ना यहाँ पर एनिमल्स भी रखूँगा और साइड में फार्मिंग भी करूँगा। तो मैं ना अभी फार्मिंग का काम जो है फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज फार्मिंग के लिए मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहले उसका बाउंड्री। और गाइज बाउंड्री मैं बनाने वाला हूँ स्प्रूस फ्रेंड से, जिससे मैंने अपना मेन गेट बनाया था। तो गाइज उसे बनाने के लिए मुझे चाहिए वुड प्लैंक। तो गाइज वुड प्लैंक मेरे पास बहुत से हैं। तो गाइज अभी ना मैं सबसे पहले बाउंड्री का जो सामान है वो बना लेता हूँ। तो गाइज मैं ना सर्च कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइज फर्स्ट में ही आ चुका है हमारा स्प्रूस फ्रेंड। तो गाइज मुझे ना इस तरह से बनाना पड़ेगा, तो मैं ना अभी फटाफट से इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मुझे ना अभी गेट भी बनाना पड़ेगा जिससे मैं इंटर कर सकूँ। तो गेट मेरे पास अभी दो ही बनेगा, तो मैं ना दो बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो चलो गाइज अभी ना फटाफट से चलते हैं बाउंड्री बनाने के लिए। तो गाइज बाउंड्री बनाने से पहले मुझे ना एक ब्लॉक छोड़ना है, ठीक है। तो एक ब्लॉक छोड़ते हुए जो है मैं अपना काम यहाँ से शुरू करता हूँ। तो चलो गाइज यहाँ से मुझे इस तरह से जो है लगाते जाना है। तो गाइज मेरे पास ना स्प्रूस फ्रेंड्स ख़त्म हो गए थे, तो मुझे ना दोबारा से जाना पड़ा था बनाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर ना मुझे गेट भी देना है, तो मैं सोच रहा हूँ गेट यहाँ पर दे दूँ। तो मेरा गेट कहाँ गया, ये रहा मेरा गेट। तो यहाँ पर मैं अपना गेट लगा देता हूँ। तो चलो गाइज अभी ना मैं इस गेट से अंदर बाहर जा सकता हूँ। तो गाइज मुझे ना अभी सामने की तरफ काम करना है। तो गाइज मुझे ना यहाँ पर पूरा एक ब्लॉक का लेयर जो है हटाना पड़ेगा, जिसमें गाइज हम लोग पानी देंगे। तो गाइज पानी से क्या होगा कि जो बगल वाली मिट्टी है ना वो पानी को सोख लेगा, और उसमें फिर हम बीज डालकर अपना फार्मिंग कर सकते हैं। तो अभी ना गाइज मैं इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेता हूँ। तो गाइज अभी ना बहुत रात हो गई है, और गाइज ये स्केलेटन मुझे तब से मार रहा है, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। अभी ना इसको अच्छे से पड़ेगी सबसे पहले। और ये ज़ॉम्बीज क्यों आ रहा है भाई, इसमें इतना हिम्मत कहाँ से आ गया मुझे मार रहा है। तो अभी ना गाइज मुझे सोना पड़ेगा। और गाइज ये विलेजर भी जो है मॉन्स्टर बन गया है, अब पता नहीं इसे ठीक भी कर सकते हैं हम लोग, बट अभी मुझे नहीं पता। तो गाइज अभी ना मुझे सोने जाना पड़ेगा। तो गाइज सोने जाने से पहले ना मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा बाउंड्री जो इस तरह से ढक देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं गेट लगाऊंगा। तो इसे मुझे तोड़ना होगा, और दूसरे को गेट को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो चलो गाइज अभी ना मैं गेट यहाँ पर फटाफट से लगा कर चलता हूँ सोने के लिए। तो मेरा ये गेट लग गया और दूसरा गेट यहाँ पर। तो अभी ना मैं फटाफट से सो लेता हूँ क्योंकि मॉन्स्टर जो है बाहर में घूम रहे हैं। और गाइज मुझे गेट खोलने और बंद करने का जो झमेला था वो एकदम से ख़त्म हो गया। तो अभी ना मैं फटाफट से सो लेता हूँ, बाकी का काम जो है वो दिन में करेंगे। तो गाइज अभी ना वापस से दिन हो चुका है, और अभी ना हम लोग अपने काम पर चलते हैं। और गाइज यहाँ पर कौन है भाई साहब, एक मिनट, यहाँ आस पास कोई तो है। तो गाइज मुझे लगता है बाहर में ना अभी मॉन्स्टर्स है, तो मैं ना अभी सबसे पहले उसे मार देता हूँ। और इस बार मैं बो का यूज़ करूँगा क्योंकि पिछले बार मैंने क्रॉसबो का यूज़ किया था, वो सही से यूज़ नहीं होता। और गाइज सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी जल कर मर गया। और गाइज ये क्रीपर नहीं मरता यार दिन में, इसे ना मुझे ही मारना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बो निकालता हूँ। और गाइज बो से ना इसे अच्छी तरह से पड़ेगा। वो थ्री मेरे पास ही आ रहा है, तो अब भी इसके बजा, और ये शायद से तीन शॉट में ख़त्म होगा। तो ये लगा, अरे शिट शिट शिट, ये दूसरा शॉट लगा, मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, बहुत सामने आ गया ये। और ये तीसरा शॉट, मतलब कि तीन एरो में ये बंदा ख़त्म। क्रीपर को मारने में मुझे तीन एरो बर्बाद करना पड़ा।
तो चलो गाइज अभी ना फटाफट से आगे का काम जो है शुरू करते हैं। तो गाइज मुझे ना अभी यहाँ पर बकेट बनाना होगा जिससे मैं अपने फार्म में पानी डाल सकूँ। तो मैं यहाँ से आयरन इंगट थोड़ी सी ले लेता हूँ और बकेट मैं यहाँ पर जो है इस तरह से बना सकता हूँ। तो मैंने ना दो बकेट यहाँ पर बना लिया है। तो चलो गाइज अभी पानी लाने चलते हैं। और गाइज यहाँ पर एक ज़ॉम्बी से मर रहा है, खैर छोड़ो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे बकेट में पानी लेना है, तो ये रहा मेरा बकेट, तो यहाँ से मैं पानी ले सकता हूँ। और गाइज मेरा बकेट नीचे गिर गया, पता नहीं क्यों मेरा स्पेस जो है साइड से पूरा फुल हो गया। तो मैं ना यहाँ से ये प्लेट जो है हटा देता हूँ। तो चलो गाइज और अभी ना मेरे पास दो पानी हो गया। अरे यार मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ अभी, अब मुझे फिर से पानी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं डर्ट लगा देता हूँ। तो चलो गाइस, और गाइस मैं ना सोच रहा हूँ ये जो है बहुत अच्छा ट्रैप है जॉम्बिस को फंसाने के लिए, तो मैं ना इसे अच्छा सा एक ट्रैप बनाऊंगा। तो गाइस अभी ना मेरे पास दो बकेट पानी हो चुका है, और गाइस दो बकेट से हम अनलिमिटेड पानी जो है वाटर बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। और गाइस मैं ना यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर मैंने बाउंड्री बना दिया और जंप करके भी नहीं जा सकता, तो मुझे ना घूम फिर के जो है गेट से जाना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी ना मैं अपने फार्म के अंदर आ चुका हूँ। तो गाइज मुझे अनलिमिटेड वाटर बनाने के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ये डर्ट। तो मुझे ना यहाँ पर स्क्वायर बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और मैं ना यहाँ पर एक डर्ट लगा देता हूँ। तो गाइज मुझे ना सिंपली क्या करना है, एक बकेट पानी देना है इस कॉर्नर में और दूसरा बकेट पानी देना इस कॉर्नर में। अब मेरे पास अनलिमिटेड वाटर हो चुका है। तो गाइज़ अभी ना हमें सारे ब्लॉक में इस तरह से पानी जो है भरते जाना है। तो गाइज अभी ना मैं सारे कॉलम में पानी दे चुका हूँ। तो गाइज मुझे ना यहाँ पर ये वाला जो डर्ट है हटाना पड़ेगा, और इस वाले में डर्ट जो है मुझे वापस से लगाना है। तो यहाँ पर मैं डर्ट जो है लगा देता हूँ। तो चलो गाइज यहाँ का काम जो है लगभग ख़त्म होने वाला है। तो गाइज सीड लगाने के लिए ना मुझे यहाँ पर इस तरह से जो ग्रास है वो हटाना पड़ेगा। तो गाइज सवल से काम नहीं चलने वाला, इसके लिए एक टूल आता है, तो मुझे ना उससे ग्रास जो है हटाना पड़ेगा। तो अभी ना उस टूल को बनाने चलते हैं। तो गाइज मुझे ना बनाना पड़ेगा हु, तो मैं ना एक वुडन हु बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। और गाइज अभी ना चलते हैं उस ग्रास को हटाने के लिए जिस पर हम लोग बीज लगाएंगे। तो गाइज मैं ना यहाँ से सीड ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं शुगर कैन भी ले लेता हूँ। तो चलो गाइज, तो गाइज मुझे इस तरह से यहाँ का जो मिट्टी है वो हटाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हम अपना सीड जो लगा सकते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ का वो जो ब्लॉक है उसमें पानी चला गया है, वो मिट्टी जो है पानी सोख लिया है। तो गाइज इसी तरह से और देखिए आगे में भी वो मिट्टी जो है पानी सोखते जा रहा है। तो गाइज इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर अपना सीड लगा सकते हैं। तो गाइज मैं ऊपर में सीड जो है लगाना शुरू करता हूँ। तो गाइज इस सीड से मुझे मिलेगा वीट और सीड दोनों। तो गाइज वीट को हम अपने एनिमल को खिला सकते हैं ताकि वो अपना ब्रीडिंग कर सके। और गाइज शुगर कैन ना यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो गाइज शुगर कैन जो है ना वो एक्चुअली सैंड में लगेगा, मिट्टी में नहीं लगता है, डर्ट में नहीं लगता है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो पेड़ है साइड से मैं इसे लगा देता हूँ। तो गाइज ये ना पेड़ बनेगा और इससे हमें मिलेगा वुड है वुड। तो गाइज हमें ना यहाँ पर भी इस तरह से जो बाउंड्री बनाना है क्योंकि यहाँ पर हम अपना एनिमल रखेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना बाउंड्री बनाना शुरू करता हूँ। और गाइज यहाँ पर मुझे शिप मिल गया, तो मैं ना इसको इसके अंदर डाल दूंगा। तो चलो भाई तुम आगे चलो, आगे चलो चलो चलो, तो बहुत सही गाइज। तो यहाँ पर ना इस शिप को मैं अंदर ही रखूँगा ताकि बस मुझे एक और शिप लाऊँ और उसके बाद ये लोग ब्रीडिंग करना शुरू करें। तो गाइज अभी ना इस बाउंड्री को दो भाग में बांट देते हैं ताकि हम इसमें दोनों अलग अलग एनिमल्स को रख सकें। तो गाइज ये जो है ना मेरा सेंटर पॉइंट है इस बाउंड्री का, तो मैं यहाँ पर इसे पूरा क्लोज कर देता हूँ। और मैंने एक गेट बनाया है यहाँ पर। तो गाइज अभी ना बहुत रात हो गई, तो अभी चलते हैं सोने के लिए, बाकी का काम जो है वो कल करेंगे। तो गाइज काम जो है वो लगभग ख़त्म हो गया, तो अभी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिलहाल सोने के लिए चलते हैं, बाकी का काम करेंगे कल। तो ये रहा मेरा बेड, तो अभी सो लेते हैं। तो गाइज अभी वापस से दिन हो चुका है और अभी चलते हैं काम करने। और भाई साहब यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए भाई, ये बाउंड्री के अंदर कैसे चले गए गाइज, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये अंदर कैसे स्पॉन हो सकते हैं। लगता है यहाँ पर मुझे टॉर्च लगाना पड़ेगा वरना ये अंदर ही स्पॉन हो गया। और एक स्पाइडर है, इसे मैं क्रॉसबो से मारूंगा, क्रॉसबो नहीं सॉरी वो है मेरे पास, और गाइज मेरे सामने आ रहा है। तो चलो गाइज यहाँ पर ये दो एरो में ही ख़त्म हो गया, तो मैं ना अभी एक्सपी जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ना हमें कुछ एनिमल्स को लाना है। तो गाइज एनिमल मैं बाद में लाऊंगा, सबसे पहले मैं अपना लाऊंगा एक हॉर्स जिस पर मैं आज सवारी करूंगा। तो गाइज अभी ना हम चलेंगे अपने लिए घोड़ा ढूंढने। तो गाइज घोड़ा ढूंढने से पहले मुझे ना एक कंपास बनाना होगा जिससे मुझे अपने घर का लोकेशन जो है पता चल सके। तो गाइज कंपास बनाने का जो रेसिपी है वो ये है। तो गाइज मैं फटाफट से एक कंपास बना लेता हूँ।
तो चलो गाइस, अभी मेरे पास एक कंपास आ चुका है। और गाइस ये ना मेरे घर का लोकेशन बताएगा। एक मिनट, मेरा कंपास थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा है शायद से। भाई मेरा कंपास किधर बता रहा है यार? ओ फिर ये क्या ग्लिच है मेरा कंपास? ओ मैं समझ गया गाइस, तो ये जो कंपास है ना मेरा, वो लोकेशन शो कर रहा है जहाँ से मैं अपना गेम को स्टार्ट किया था। मतलब मैं जहाँ फर्स्ट टाइम स्पॉन हुआ था वहाँ पर ये लोकेशन बता रहा है। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं शवल ले लेता हूँ यहाँ से। तो शवल जो है मुझे बनाना पड़ेगा शायद से, मेरे पास नहीं है। तो गाइज मैं ना अभी एक बहुत लंबा रास्ता बनाने वाला हूँ अपने स्पॉन पॉइंट पे जहाँ पर मैंने अपना गेम स्टार्ट किया था। तो गाइज मैं क्या करूँगा, वहाँ से ना एक रेलवे ट्रैक बिछाऊँगा ताकि कंपास से मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ और वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट जो यहाँ पर आ जाऊँ। तो मैं ना सोच रहा हूँ यहाँ से अपना, यहाँ पर अपना स्टेशन बनाऊँगा इस साइड में। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से अपना माइनिंग जो है शुरू करता हूँ। तो गाइज यहाँ से हमारा रेलवे ट्रैक जो है बनना स्टार्ट होगा। तो अभी ना मैं फटाफट से चलता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पर मैं पहली बार स्पॉन हुआ था। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो बस इतनी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।